Welcome back everyone, I hope so that you all are doing very well in your studies. My name is Sarthak Rastogi और आज मैं आपको बताऊंगा JP Institute of Information Technology Noida के बारे में, जिसको हम लोग शॉर्टकट में JIIT Noida भी बोलते हैं। आप जो ये पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, ये JIIT सेक्टर 62 की है और इस वीडियो में हम लोग मेनली JIIT सेक्टर 62 की ही बात करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें कि ये प्राइवेट कॉलेज है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज है, तो JIIT हमारा एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो अराउंड 21 ईयर्स हो चुके हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये पुराना कॉलेज है। इसके दो कैंपस हैं, एक सेक्टर 62 में है और 128 में है। हम लोग इस वीडियो में सेक्टर 62 की बात कर रहे हैं, पर एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। जो सेक्टर 62 है वो मेन कैंपस माना जाता है और जो सेक्टर 128 वाला कैंपस है वो सेक्टर 62 का सिस्टर इंस्टीट्यूट बोला जाता है। और सेक्टर 62 के अपने अलग एडवांटेजेस हैं और सेक्टर 128 के अपने अलग एडवांटेजेस हैं। अगर हम लोग रैंकिंग की बात करें JIIT की, तो जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं इंडिया में, उनमें इसकी रैंक है 96 2020 में NIRF के अकॉर्डिंग। इसकी वेबसाइट है www.jiit.ac.in। हम लोग अगर लोकेशन की बात करें इसकी, तो ये हमारा इंडस्ट्रियल एरिया में है, काफ़ी मतलब घना एरिया है, वहाँ पर सिटी अच्छी खासी है। सेक्टर 62 में है नोएडा के, उत्तर प्रदेश में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से 37 किलोमीटर की दूरी पर है। गाज़ियाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर है। हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 18.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक चीज़ जो मैं यहाँ पर मेंशन करना भूल गया आपको, कि नोएडा का जो मेट्रो स्टेशन है वो सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही है कैंपस से, तो ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि बीटेक के यहाँ पर कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं सेक्टर 62 में, तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अवेलेबल है ECE, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग अवेलेबल है CSE, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT एंड बायो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर किसी स्टूडेंट को इंटरेस्ट है इंटीग्रेटेड MTech प्रोग्राम करना, तो वो भी अवेलेबल है, लेकिन वो सिर्फ CSE के लिए अवेलेबल है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 5-year इंटीग्रेटेड MTech प्रोग्राम होता है वो। यहाँ पर एडमिशन कैसे लेना है, तो एडमिशन लेने के कुछ तरीके होते हैं और इसकी एक वेबसाइट भी है https://getadmission.com/jp, ये भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। आप वहाँ से जा करके एडमिशन के पोर्टल पर पहुँच सकते हो JP के। तो तीन तरीके हैं जिस तरीके से आप एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप JMains से ले लो एडमिशन। JMains में आप अच्छा स्कोर करो और आपका एडमिशन हो जाएगा, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। दूसरा तरीका ये कि आपका 12th का स्कोर, 12th बोर्ड एग्ज़ाम में आपका स्कोर जो होगा उस बेसिस पर भी एडमिशन होता है। और यहाँ पर लेटरल एंट्री के थ्रू भी एडमिशन होता है सेकेंड ईयर में, जिन लोगों ने डिप्लोमा कर रखा होता है। एक बात जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है और नोट करने वाली है, वो ये है कि जो फाइनल ईयर था आपका एग्जामिनेशन का, मतलब क्लास 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम था, उसमें आपके पास जो भी सब्जेक्ट्स थे उसमें से दो सब्जेक्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना तो कंपलसरी ही है अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है। रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर OBC और जनरल वालों को जनरल ही माना जाता है। सिर्फ SC और ST वालों को ही रिजर्वेशन यहाँ पर मिलता है काउंसलिंग के टाइम पर, और साथ ही साथ यहाँ पर कश्मीरी पंडितों के लिए भी रिजर्वेशन होता है। कट ऑफ 2021 की अगर बात करें JMains बेसिस पर, तो जो राउंड वन में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी वो थी 32,373, ये क्लोजिंग रैंक थी राउंड वन की। तो इतनी रैंक तो आपकी अराउंड 96 से 97 परसेंटाइल के राउंड पर बनती है। तो 96 से 97 परसेंटाइल लगभग आपको स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको CSE चाहिए। राउंड 10 की बात करें तो ये रही कट ऑफ, और अगर फाइनल राउंड की बात करें तो ये रही कट ऑफ। तो अराउंड 96% अगर आप ले आते हो, तो आपका यहाँ पर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिलना आसान है JIIT सेक्टर 62 में। वही 5-year इंटीग्रेटेड MTech की बात करें, तो वो तो मिलना काफ़ी ज़्यादा आसान है वहाँ पर। 5-year इंटीग्रेटेड MTech कोर्स में तो आपको आसानी से एडमिशन दे देते हैं। अगर CBSE बेसिस पर बात करें, तो 96.67% मार्क्स होने चाहिए अगर आपको CSE चाहिए। ये राउंड वन की कट ऑफ है 2021, और ये फाइनल राउंड की कट ऑफ है। आप देख सकते हो CSE के लिए कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए 4-year वाले बीटेक कोर्स में।
अब हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट की, जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो 2021 वाला जो बैच था उसकी ये पूरी प्लेसमेंट डिटेल आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ। ये कंपनीज थी हमारी जो कि आई हुई थी हमारी JIIT इन कैंपस प्लेसमेंट के लिए 2017 से 2021 वाले बैच स्टूडेंट्स के लिए। तो ये हैं, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो अगर देखना चाहते हो। तो इससे ये पता चलता है कि 167 कंपनीज आई हुई थी, और साथ ही साथ इनके यहाँ जो थर्ड ईयर में बीटेक के स्टूडेंट्स होते हैं उनका समर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है इन द मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई। तो देयर वर 214 कंपनीज फ्रॉम वेयर द बीटेक बैच 2018 से लेकर 2022 वाले स्टूडेंट्स का समर ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था। तो काफ़ी कंपनी जाती है समर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी। यहाँ पर फैसिलिटीज़ और यूटिलिटीज़ की बात करें सेक्टर 62 में, तो ये आप देख सकते हो बैंकिंग, यहाँ पर इनका यस बैंक और IDBI बैंक के साथ टाई अप है, और ATM मशीन अवेलेबल है ICICI बैंक की गेट नंबर 3 पर, सिक्योरिटी गेट नंबर 3। फोटोकॉपी फैसिलिटी भी है, मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी अवेलेबल है, 24/7 खुली रहती है। स्पोर्ट्स बास्केटबॉल है, लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, खेल सकते हो आप। इंडोर में अगर बात करें स्विमिंग पूल है बॉयज़ एंड गर्ल्स का अलग अलग, स्क्वैश कोर्ट्स है, बिलियर्ड्स है, पूल टेबल है, टेबल टेनिस है, बॉयज़ का जिम है, गर्ल्स का जिम है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और भी यूटिलिटीज़ अवेलेबल हैं जैसे कि AC प्लांट, इंक्लूड लॉन्ड्री और बॉयलर फॉर हॉट वाटर सप्लाई इन द हॉस्टल्स, गर्म पानी हॉस्टल में सुविधा होगी, ये सब चीज़ें हैं वहाँ पर। तो वीडियो आप पॉज करके देख सकते हो। बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं स्पोर्ट्स को मिला के वो सब ये हैं। सेक्टर 62 और 128 के यहाँ पर कंपैरिजन भी दे सकता है कि यहाँ पर है वहाँ पे है कहाँ पर क्या नहीं है, सब आप देख सकते हो। JIIT नोएडा में अगर बात करें फीस की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना क्योंकि फीस पता ही होना चाहिए अगर प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं। तो 2022 के अकॉर्डिंग जो फीस है इनकी, वैसे हर साल बदला करती है फीस, तो 2022 में इनकी फीस ये है तो अराउंड 12 लाख इनकी फीस हो जाती है, सिर्फ फीस, और साथ में आप फिर हॉस्टल के चार्जेस अगर इंक्लूड कर लो तो अराउंड 18 से 19 लाख हो सकता है आपका खर्चा हो जाए 2022 में। तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी फीस बढ़ा भी दी है। ये फिफ्थ ईयर उन लोगों के लिए जो कि MTech करेंगे इंटीग्रेटेड वाला, नॉन NRI मतलब इंडियंस के लिए, तो ये वाला बेसिकली इंडियंस के लिए है जो भी है, ये नीचे वाला तो NRI वालों के लिए। हॉस्टल चार्जेस पर सेमेस्टर 1 लाख रुपीज़, इसमें लॉन्ड्री और फूड दोनों ही अवेलेबल है, खाना और कपड़े धोने वाला दोनों को मिलाकर के 1 लाख रुपए पर सेमेस्टर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए होगा, और एडमिशन के टाइम पर 10,000 रुपीज़ भी लगेगा एक्स्ट्रा। ऑलराइट, थैंक यू गाइस, यही था JIIT सेक्टर 62 के बारे में जो मैं बता सकता था आप सबको। अगर आपने कुछ मिस कर दिया हो तो आप वीडियो को पीछे ले जाइए, पॉज करिए और देखिए। सो काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड हेल्प माई चैनल टू ग्रो। बाय।